आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की दिनचर्या मैंने स्टार्ट की है। मैं स्कूल से आ चुका हूँ और मैं आते ही फ़ोन में लग गया था और यहाँ मम्मा बैठी हैं क्योंकि मामा की उंगली में दर्द हो रहा है, आपको पता ही है इस साली में, इसलिए मामा कुछ भी काम नहीं कर पा रही। अब दीदी ही सब संभाली हैं और दीदी कह रही हैं अब मेरा भी बहुत हो गया काम, अब भी पढ़ रही हैं दीदी, दिखाता हूँ मैं, चले गए गाइस। मामा अपने दुख दर्द में बैठी, पूरा हाथ टूट रहा है मामा का। अरे हाथ नहीं, उंगली में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और इस उंगली पे फोन भी गिर गया है। और यहाँ दीदी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो आखिरकार गाइस, आखिर मैं आज दवाई लेके ही आ गई, मेरी उंगली बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा, खाना भी नहीं बन रहा, ये लगाइए सोचिए, बस मैं कर रहा हूँ सारा, जस्सी का कर रही है और बाकी बाहर से सासू माँ कह रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया, उनकी बस की भी इतनी बाहर का खाने दो हमें, अब बच्चे कह रहे हैं हमें खाने दो बाहर का, बताओ। और मेरी हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए दिखेगी नहीं इसमें इतनी, हाँ इतनी दिखेगी नहीं, बहुत मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी हो चुका है दी, माइनक्राफ्ट तो करोगे लोगों पता नहीं, और इसकी वजह से ना मेरे ऐसा लग रहा पूरे हाथ से लेके सर में सर तक, हाँ मैं तो सोया भी नहीं था दो दिन, हाँ तो मैं तो लेकिन कल रात भी दवाई, वो तो दवाई की वजह से हो गया थी ना। तो गाइस आज इन्होंने स्टार्ट करा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि दर्द इतना हो रहा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, और क्यों कल मैंने कपड़े धोए पानी में ही काम किया था, बस दर्द को झेलते झेलते वजह ले रहे थे दर्द के, और वो आज हो गए नासूर, जब जाके मैं डॉक्टर के गई हूँ और तब मैं दवाई लेकर आई। तो चाय पिला दो जस्सी का, पिलाऊंगा भाई, चाय तो बना लो ही होगा। और रक्षाबंधन आ रही है गाइस, आप सभी की तैयारी हो चुकी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरी भी तैयारी होगी, आज का सोचा था मैंने लेकिन मेरी इस उंगली ने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि ये उंगली कह रही है घर पे रेस्ट करो और जब तक मैं ऐसी हूँ मेरा दुख भी होगा ना, मैं तब भी हंसती रहूँगी, जस्सी का भी ऐसी है भी। बस यही दोनों ऐसे हैं, हाँ इनको दुख कुछ नहीं था। अरे कहाँ गई जस्सी का, तो ये रहा, आओ ना, मेरी जस्सी का भी ऐसी है, हम दोनों दुख झेल लेते हैं और आराम से काम करते हैं, ज्यादा ही दुख है जिंदगी, हाँ देखो कितने जुड़े हुए हैं, जस्सी का उंगली में हुआ तो मेरे भी उंगली में ही हुआ, जस्सी का कुछ दिक्कत मुझे कुछ दिक्कत होती है तो मुझे भी हो जाती है, इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन है हमारा, लेकिन जब मम्मा को गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, आता क्यों नहीं, कंट्रोल करना पड़ता है। कल मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कपड़े धो रही में, लेकिन क्यों गर्मी ज्यादा हो रही थी बहुत, आज भी गर्मी है बिल्कुल, इतना दर्द हो रहा था, मैं बस रो रही थी, ये लगाई अंदर ही अंदर, बस बाहर से दिख रहा हंसते हुए, अंदर से रो रही थी मैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ तो बस। और आप कमेंट्स में बताइएगा आपकी रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है, हो चुकी है, आपने क्या सिलेक्ट किया है, क्या क्या शॉपिंग की है, हमने भी कर ली जस्सिका के लिए भी, मैंने मतलब इंडियन ड्रेस, हाँ। ये बहुत कम पहनती है इंडियन ड्रेस, मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ, हाँ कभी कभी फेस्टिवल में पहनती है, वो भी मैं जबरदस्ती पहनाती हूँ, वरना ये टी शर्ट और पैंट में ही रहती है, कहती है यही सही है, हाँ यही सही है और जस्सिका कुछ कहना चाहेगी, जस्सिका के स्कूल में फंक्शन चलेगा कब, कब है वो, कौन सा कैनवस का, अरे वो तो हो रहा है, मुझे कैनवस लेने जाना था, मिला ही, कोई बात नहीं, मैं अगर मैं कल गई तो कल ला दूं, रहने दो मैं कल चला जाऊंगा, कल तो नहीं जब तक मेरी उंगली बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी, उधर ही बैठो मैं कल ले आऊंगा ट्यूशन से जाते वक्त, मैंने बोला था कि जब जस्सी का अब लेने जा रहे थे ना डैडी तुम्हें, तो मैंने नहीं जब स्कूल से मैंने जब बोला था, कर रहा हूँ यहाँ काम, बहुत देर से लगा पड़ा हूँ क्योंकि कल मेरी कॉपी चेक होगी, और यहाँ ये पढ़ ले चुपचाप पढ़ ले, इधर मेरी साड़ी आई है, एक और लविस देना भाई, मामा इससे कहो लैपटॉप चलाए, फोन ना चलाए, चार्जर नहीं मिल रहा, लविस फोन भी नहीं चलाना, पढ़ाई करो क्योंकि एग्जाम है अब नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, हां दवाई से थोड़ा सा आराम मिला, हो जाएगी दो तीन दिन में सही, ये सूख जाएगी, मेरे जस्सिका की तरह नहीं हुआ ना ये, मेरी वो मेरे तो सेप्टिक हो गया था,
क्योंकि इसने पिन मारी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना। पिन नहीं मारी थी, कंपास मारा था मैंने। हाँ तो वो इसमें तो अबोर्ड दूं मैं, कंपास दिया उसने। मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में। तो गाइस आखिरकार जैसिका ने चाय बना दी है और मेरे लिए लाई है पैन, नहीं पापे हैं, मैं भूल भी गई, और बिस्किट भी हैं इधर, लेकिन मैं खाऊंगी पापे। शाम का खाना मैं स्किप कर देती हूँ। और इधर लविस ने बनाई थी आज चाट, लेकिन चुपके से बनाई, शेयर नहीं करी, पर्दा ढक लिया किचन का, पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं डांटती हूँ ना फिर, क्योंकि किचन जैसिका ने क्लीन कर दिया था इसलिए गंदा कर दिया। हाँ तो जैसिका ने चाय बना के दे दिया, और आलू के पराठे बनाए थे मैंने, वही खा लिए बच्चों ने। ऐसे बच्चे नहीं है कि जिद करें नहीं खाना ही है, मेरे बच्चे बहुत फिर भी पूछ रहे थे वो कि कुछ खाना है बाहर से, तो बोल दिया था मोमोज अगर लाएंगे तो ठीक है, नहीं लाएंगे तब भी ठीक। तो आखिरकार आ चुके हैं लविस के कहने पे मोमोज, लविस और जैसिका। बर्गर है मोमोज है, ये क्या है, कुछ ये नहीं है। तो बर्गर ये है और ये क्या है पता नहीं क्या है, आलू है। और जैसिका खुश है क्योंकि मोमोज हैं, मोमोज तो होंगे। और जैसिका गई है, जैसिका पहले दूध कर देना उसमें डोंगे में, है ना। डोलची बिल्कुल किनारे पर रखिए, देखिए हैप्पी। हाँ डेली खा लो मोमोज तो, है ना। तो चलिए ना खाने देते हैं, इसमें तो बर्गर है और इसमें मोमोज है। हाँ मोमोज ही हैं, ये कुछ स्पेशल आए हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े दो दो खा लेंगे बस, बाकी पराठा खा ही लिया आलू का, है ना। ये नहीं बनाऊंगा जैसी का, वो बनाएगी सैंडविच सुबह, आलू रखे हैं उबले हुए, ठीक है। कम है, तीन है। बहुत सारे बन जाएंगे उससे, ठीक है। चलो ठीक है, तो जैसी का उधर दूध पका रही है, इसमें क्यों उसमें पकाओ ना, मैं फिर कह रही हूँ डोंगे में जगह नहीं मिलती फ्रिज में रखने को, इसलिए। तो चलिए अभी मिलते हैं। तो आखिरकार गाइज मेरी उंगली में थोड़ा सा आराम मिला है, दर्द में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अब मतलब कैमरा पकड़ पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बातें कर लेती हूँ, बता देती हूँ। तो काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन था, इतना कि सर तक पेन पहुँच गया था, तो अब ठीक है। मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 दिन बोला है उसने डॉक्टर ने। और बाकी बर्तन तो जैसिका ही साफ करेगी अभी, और सुबह का स्नैक देखते हैं क्या बनता है नाश्ते में सुबह। आलू बाल आलू रखे हैं जैसिका को, बोल दिया मैंने, ओ ब्रेड अभी ले लेना, है ना, ब्रेड वो सैंडविच बना लेगी जैसिका अपने आप, थोड़ा सा आराम सा मिल जाएगा ना, लगती है ना जैसे एकदम तो जान निकल जाती है। सिर्फ दर्द में आराम मिला, वैसे ठीक नहीं हुई अभी। और इधर लविस सो चुका है, लविस को आ गई नींद, अब मैं बस जैसिका के साथ हूँ। मैं कह रही हूँ अब तो बंद कर दो मैडम जी, काम करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। और गाइस मैंने कुछ मंगाया था तो शेयर करती हूँ, चलिए आपके साथ। तो देखिए इधर लविस सो चुका है, बेचारा थक गया है स्कूल जाते जाते। इधर मैंने दूध रख दिया है, इसकी मलाई हटानी पड़ती है वरना दूध ठंडा नहीं होएगा ये, क्योंकि इन्हें तो दूध पिलाऊँगी। लविस तो सो गया, उसे तो नहीं, तो ये मंगाई थी मैंने। अच्छा उठ गया, ओहो नु कह रहा मैं भी उठ गया, तारीफ के पुल बांध दिए हमने लविस के। तो गाइस देखिए ये वाली साड़ी मंगाई है मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है साड़ी। तो मंगाई तो थी मैंने ये फंक्शन के लिए, लेकिन मैंने फंक्शन में नहीं पहनी। अरे यार निकल। तो देखिए कुछ इस टाइप से है, ऑर्गेंजा, हाँ ऑर्गेंजा फैब्रिक है ये, और मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन, आई लव इट। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो इसे मैं पहनूंगी आगे। किस डैडी गए हैं घूमने, ठीक है। तो लविस आखिरकार उठ गया, इसने कब से आधा घंटा नींद ले ली। तो चलिए किचन में चलते हैं, और ये मोमोज खा के सबने फेंक दिए बर्तन, देखिए करेगी जैसिका, मेरी टेंशन नहीं है, सारा काम ख़त्म है, बाकी बस बर्तन ही क्लीन करने हैं, और तो कुछ नहीं करना। जैसिका बंद कर दो, अब लिखे जा रही है, जब से लिखे जा रही है कितने घंटे हो गए।
तो चलिए गाइज यही थी आज की दिनचर्या, बस थोड़ा सा सूट किया जितना भी हो सका, क्योंकि मेरे जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और बस सिंदारे का आया सा था, सिंदारे उस टाइम मेरा पेन हो रहा था, इस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैंने काम आज बहुत ज़्यादा किया है इसलिए दर्द ज़्यादा बढ़ गया, पानी का ही काम किया डीप क्लीनिंग की इसलिए, और बाकी सिंदारा ऐसा था बालूशाही आई थी वो मैंने सारी अपनी सासू माँ को भेज दी, 4-5 रखी थी बस, बाकी क्योंकि ये तो बांटने वाला ही होता है सब कुछ पैक था, मैंने कहा डब्बा ही ले जाओ तो वहीं बांटते रहना जिसे देना, क्योंकि ये हमारा काम तो है बड़े ही करते हैं तो मैं हर बार यही करती हूँ। तो बस यही थी आज की दिनचर्या, मिलते हैं कल नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और बस मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।